वीडियो बनाना हम सबको पसंद है, और वीडियो जितनी ज़्यादा स्मूथ स्टेबल होगी देखने में उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है। बट कैमरों से इतनी ज़्यादा स्टेबल और स्मूथ फुटेज निकालना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। कैमरे से वो स्टेबल फुटेज निकालने के लिए बहुत सारे टूल्स की नीड होती है, गिम्बल, स्लाइडर, ट्राइपॉड, मोनोपॉड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दीज इक्विपमेंट्स आर सो एक्सपेंसिव एंड दीज टेक लॉट्स ऑफ टाइम टू इंस्टॉल। तो आपको आइडिया हो गया होगा इस वीडियो हम क्या करने वाले हैं। इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू गेट स्टेबल फुटेज विदाउट एनी इक्विपमेंट्स। देयर आर टू पॉइंट्स इन दिस वीडियो। फर्स्ट पॉइंट वी विल टॉक अबाउट कैमरा सेटिंग्स एंड कैमरा मूवमेंट। देन इन सेकेंड पॉइंट वी विल टॉक अबाउट एडिटिंग। अपनी वीडियोस को हाथ से शूट करने के लिए हमें चाहिए आईएस, इमेज स्टेबलाइजर। इमेज स्टेबलाइजर एक सेटिंग होती है जो बिल्कुल गेम चेंजर है, बिकॉज अगर आप इसे ऑन करते हो तो आपकी वीडियोस बहुत ज़्यादा स्मूथ आएगी जब आप हाथ से शूट कर रहे हो। वीडियो को स्मूथ शूट करने के लिए आपको जिन इक्विपमेंट्स की नीड होती है, गिम्बल, स्लाइडर, ट्राइपॉड, मोनोपॉड, जो भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, अब ये सब अपनी जगह लेते हैं और टाइम लेते हैं, बिकॉज जब भी आप एक शूट करने बैठोगे तो हर इक्विपमेंट्स अपनी जगह लेगा ही लेगा, जायज़ बात है, और फिर वो टाइम लेगा सेटअप होने में, आपको उस पर कैमरा लगाना है, निकालना है, अलग अलग शॉट डिफरेंट एंगल से लेने, तो ये पूरी प्रोसेस बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है और बहुत इरिटेटिंग भी, और ये इक्विपमेंट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं। तो इसका सस्ता जुगाड़ होता है इमेज स्टेबलाइज़र, जो हर मैक्सिमम कैमरों में मिलता है। हाँ, थोड़ी सी अगर आप चीप लेवल बिल्कुल बिगनिंग लेवल के कैमरों में जाओगे वहाँ पे आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। इमेज स्टेबलाइजर के साथ लॉन्ग शॉट लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और बिकॉज इसका कोई सेंस भी नहीं बैठता। अगर आपको लॉन्ग शॉट लेना है तो मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूँगा आप इमेज स्टेबलाइजेशन ऑन करें और आप शूट करने लगें। इसके लिए ही इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, आप इसके लिए गिम्बल का यूज़ करें, बिकॉज गिम्बल आपको अच्छी खासी स्टेबलाइजेशन देगा आपके लॉन्ग शॉट में। अगर आप कोई प्रोडक्ट वीडियो शूट कर रहे हो या किसी तरह का ऐसा शूट जिसमें क्लिप्स की ड्यूरेशन 2 या 3 सेकेंड्स होती हैं, ऐसे मल्टीपल आपको क्लिप्स लेने पड़ते हैं अलग अलग डिफरेंट एंगल से, तो वहाँ पे आप इमेज स्टेबलाइजेशन का यूज़ कर सकते हो, आप इजीली वो शूट कर सकते हो। इमेज स्टेबलाइजेशन ऑन करते ही आपका फ्रेम क्रॉप हो जाएगा, मींस ये एक छोटे फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप 60mm से शूट कर रहे हो तो आपको अप्रॉक्स 25-30mm की लेंथ प्रोवाइड करेगा। अब इससे वही है कि अगर आप वाइड शॉट लेना चाहते हो तो वहाँ पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इमेज स्टेबलाइजेशन आपको कब यूज़ नहीं करनी चाहिए, जब भी आप अपना कैमरा ट्राइपॉड पे, गिम्बल पे, किसी भी ऐसे इक्विपमेंट पे लगा रहे हो जो आपको स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करता है, जहाँ पे आपका कैमरा बिल्कुल सेट है, वो कोई ज़्यादा मूवमेंट ना कर रहा है और ना महसूस कर रहा है। इसकी प्रॉब्लम ये है कि दोनों चीज़ें क्रॉस करेंगी एक दूसरे को, मीन्स अगर आपका कैमरा जो स्टेबलाइजेशन आपने ऑन कर रखी है और आपका इक्विपमेंट्स जो उसे स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड कर रहा है, स्टेबल फुटेज प्रोवाइड कर रहा है, दोनों क्रॉस करके एक बेकार फुटेज निकालती है। साथ ही ये बात आपके लेंस पे भी लागू होती है, अगर आपके लेंस में इमेज स्टेबलाइजेशन है तो प्लीज़ उसे ऑफ करके ही ट्राइपॉड या गिम्बल पे लगाएं, बिकॉज आपका काम ख़राब हो सकता है। अगर आपके कैमरे में इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है और आपके लेंस में भी इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है तो क्या करें, वीडियो शूट करना छोड़ दो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वीडियो शूट करना बिल्कुल बंद नहीं करना, बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आप जो भी फ्रेम बना रहे हो उससे थोड़ा सा वाइड रखें, अपने सब्जेक्ट के ऊपर और नीचे और साइड में जितना भी आप एरिया बड़ा रख सकते हो उतना बड़ा एरिया रखें, कि आपको आगे पता चल जाएगा जब मैं एडिटिंग वाला पॉइंट आपको बताऊँगा। अब आते हैं अपने सेकेंड पॉइंट पर जो है एडिटिंग। अब एडिटिंग यहाँ तो होगी नहीं, उसके लिए आपको सिस्टम पे जाना पड़ेगा। सो अब चलते हैं एडिटिंग की प्रोसेस पे। एडिटिंग में हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ये देखेंगे। बट एडिटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं, जो शायद मैंने आपको पहले नहीं बताई थी। देखिए, जब भी आप शूट करें अपनी वीडियो का कोई सा भी, तो मैक्सिमम टाइम जब भी आपको एक सिनेमेटिक लुक प्रोवाइड करना हो और आपकी फुटेज, अगर आप हाथों से शूट कर रहे हैं, आपके पास कोई स्टेबलाइजर नहीं है, मतलब गिम्बल या फिर कोई इक्विपमेंट नहीं है जो आपको इस एक फुटेज अच्छी खासी स्टेबल फुटेज प्रोवाइड कर सके, तो कोशिश करें आप उसे 60 फ्रेम में या फिर 120 फ्रेम में शूट करें, बिकॉज आप उस 60 या 120 फ्रेम पर सेकंड की वीडियो को आप 30 फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हो वीडियो एडिटिंग के टाइम पे।
और इससे आपकी वीडियो को और ज़्यादा सिनेमैटिक लुक प्रोवाइड होता है और ज़्यादा स्टेबल शो होती है वीडियो। तो कोशिश करें कि आप उसे 60 फ्रेम में या फिर 120 फ्रेम में शूट करें। अब आते हैं एडिटिंग पर। मैंने ऑलरेडी एक फुटेज यहाँ पर डाल रखी है जो मैंने रिसेंटली शूट किया था, और वो फुटेज मुझे भी अच्छी लगी। अभी इस फुटेज में किसी तरह का कोई इफेक्ट यूज़ नहीं हुआ, ना ये वीडियो स्लो की गई है, ना ये इस वीडियो में कोई इफेक्ट है। तो हम सिंपली इफेक्ट डाल के देखते हैं। वीडियो में इफेक्ट डालने के बाद इसकी लुकिंग कुछ ऐसी आई है, ये पहले से ज़्यादा स्टेबल दिख रही है, साफ पता चल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस इफेक्ट से हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा ये 100% एक्यूरेट है, ये आपको अच्छी फुटेज प्रोवाइड करेगी, बट ये कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करती है ताकि आप अच्छी खासी वीडियो बना पाओ, आपकी हेल्प हो जाती है इससे। बट अगर आपको अपनी फुटेज को और ज़्यादा स्टेबल बनाना है विदाउट एनी इक्विपमेंट्स, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिकॉज ये सब आपके हाथ में है, बिकॉज कैमरा आपके हाथ में ही होगा। अगर इस वीडियो को हमें और ज़्यादा सिनेमेटिक लुक प्रोवाइड करना है, और ज़्यादा स्लो मोशन में इफेक्ट दिखाना है, या अच्छा इफेक्ट प्रोवाइड करना है, तो हम बेसिकली इसे स्लो कर सकते हैं। वार्प स्टेबलाइजर के साथ आप स्लो मोशन इफेक्ट नहीं लगा सकते, तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा इसे नेस्ट। सिंपली माउस से अपनी वीडियो पर राइट क्लिक करें एंड नेस्ट के ऑप्शन जाके इसे नेस्ट कर दें। नेस्ट होते ही अब आप अपनी वीडियो को स्लो कर सकते हैं, बिकॉज ये इफेक्ट दोनों एक साथ काम नहीं करते। अगर आप वही अपनी फुटेज को सिलेक्ट करें और स्पीड एंड ड्यूरेशन अपनी वीडियो को सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करें माउस से और स्पीड एंड ड्यूरेशन देखें, आप अपनी वीडियो की स्पीड को 60% कर दीजिए और ऑप्टिकल फ्लो चालू कर दीजिए। रिजल्ट आपके एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा, ये बात मैं कह सकता हूँ। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आप हर फुटेज के साथ स्लो मोशन नहीं डाल सकते, बिकॉज आप अपनी हर फुटेज में स्लो मोशन नहीं डाल सकते। कभी कभार आपको नॉर्मल स्पीड में चीज़ें शो करनी होती है, वहाँ पर आपको वार्प स्टेबलाइजर काम आता है। वरना तो आप हर वीडियो में स्लो मोशन डाल के उसे एक लुक प्रोवाइड कर सकते हो, एक स्मूथ लुक प्रोवाइड कर सकते हो। थोड़ा सा टाइम का इशू चल रहा था मेरी लाइफ में, अब मैंने थोड़ा सा मैनेज कर लिया है उस चीज़ को। तो मैं कोशिश करूँगा हर वीक एक वीडियो आपके साथ शेयर कर पाऊँ, और मैं रील्स कंटिन्यू डाल ही रहा हूँ जो मैं काम कर रहा हूँ, तो उन्हें भी देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई नॉलेज चाहिए कैमरे से रिलेटेड या फिर सिनेमाटोग्राफी, जो भी हो, आप कमेंट कर सकते हैं। और मैं बहुत जल्दी इस चैनल पे एलिस्ट्रेटर और फोटोशॉप के ट्यूटोरियल्स भी डालने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी वीडियो और लाता रहूँगा।